तीन दरवाजे रहते हैं नेटवर्कर की लाइफ में, तीन दरवाजे। एक कंपनी का दरवाजा, वहां पे बैठ बोलो सर प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ, सर ये कुरियर ढीली है, गति का नहीं, कोई सती का करवा दो, उसका ये मैं करवा दो, सर उसमें ना लिपस्टिक आ जाएगी तो ज्यादा जल्दी जल्दी बिकेगा, उधर बैठ जाओ। और दूसरा दरवाजा रहता है अपलायन के घर के दरवाजा, सर एक लेग चल रही चलवा दो, सर ये करवा दो, सर वो करवा दो। और तीसरा दरवाजा रहता है प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा, किसका? प्रोस्पेक्ट का दरवाजा, प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा। तो प्रोस्पेक्ट के घर के दरवाजा, हमको बात समझ में आ गई थी कि कंपनी अपना काम फिट करती है अपने आप, जो भी छोटा मोटा और इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी हमारे ग्रेट मेंटर्स बहुत मौजूद हैं, वो सारा करा लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अपलायन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमसे ग्रेट हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे बड़ी रिकॉग्निशन है, हमसे बड़ी टीम उनके पास है। और तीसरा दरवाजा हमारे पास है प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा, जो दरवाजा हमको अमीर बनाने वाला दरवाजा है, वही कुबेर के खजाने को की चाबी दिलाने वाला दरवाजा है। और मेरे अपलायन ने समझा दिया था कि प्रोस्पेक्ट के घर के दरवाजे के सामने खड़े मत रहना, वहां साला तंबू गाड़ देना, हिलना मत वहां से, हिलना मत वहां से, हिलना मत वहां से। और हिलने की बात करें तो लोग अपने शहर में 20 किलोमीटर की दूरी नापेगा कार में, मोटरसाइकिल का मीटर चालू करेगा, मीटर चालू करके वेन्यू कहां होता है, सर 19.5 किलोमीटर पर होता है, कोई नहीं पाए, बहुत दूर है, हमारे गेस्ट नहीं जा पाते, तेरे गेस्ट 19 किलोमीटर पे नहीं जा पाते, तू भारत में विश्व विजेता का अभियान बनाएगा कैसे, पूरे भारत में बिजनेस बनाएगा कैसे, एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस बनाएगा कैसे, जिंदगी में क्राउन एम्बेसडर बनने का ख्वाब छोड़ दे। जिस दिन 19 किलोमीटर नहीं, अगर 1900 किलोमीटर पे भी अगर तेरे को प्लान दिखाने का जिस दिन जज्बा आ गया, उस दिन उसी दिन से क्राउन एम्बेसडर टेन हो जाती है। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। पिछले टारगेट में टीम से डीडी गए 300, इस बार सर मैं अपनी मैया का बेटा नहीं, दूध नहीं पिया, फलाना नहीं पिया, बाप से पैदा नहीं, 3000 डीडी भेजूंगा। तेरा कमिटमेंट, डीडी का नंबर बढ़े हैं बस, डीडी पहले 300 भेजे, इस बार 10 बढ़ा दी 3000, तो डीडी का नंबर्स बढ़ाया तूने, लेकिन मेरे कमिटमेंट का लेवल 300 पे उतना था, इस बार भी उतना ही है, डीडी नहीं बढ़ेंगे तेरे, नहीं बढ़ेंगे, डीडी का नंबर्स मत बढ़ा, तेरा कमिटमेंट यहां पर है, इस कमिटमेंट को उठा के यहां पे टांग दे, 3000 डीडी नहीं 3100 डीडी निकलेंगे, अपना कमिटमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस टीम से हम बिलोंग करते हैं, जिस सिस्टम से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर ऐसे ग्रेट मेंटर्स हैं जो 18 घंटे का कमिटमेंट देने की ताकत रखते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद, डाउनलाइन में ढेर सारे क्राउन एम्बेसडर होने के बाद आज भी 18 घंटे का कमिटमेंट रखते हैं। हमारे पूर्वज जब इस तरह का कमिटमेंट देने वाले हैं, विनर है, विनर एटीट्यूड वाले हैं, इन्होंने हमेशा इतिहास रच के दिखाया है, कंपनी में टॉप पोजीशन को हमेशा पिछले 16 साल से टॉप बनाकर बरकरार रखा हुआ है, तो हम कैसे हो सकते हैं? डीएनए वही ट्रांसफर होता है, ऊपर से ट्रांसफर होता है डीएनए, आपके ब्लड को टेस्ट करने की जरूरत है, मैं अपनी आईडी पर अपने लेवल पर नंबर वन क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मेरे को दिमाग में एक ही बात घुस गई थी, मैं सिल्वर पर नहीं बना नंबर वन, गोल्ड पर नहीं बना, पर्ल पर नहीं बना, टोपाज पर नहीं बना, एमराल्ड पर नहीं बना, रूबी पर नहीं बना, डायमंड पर नहीं बना, लेकिन मेरे दिल में आग थी कि नंबर वन बने रहना है। और उस दिन के बाद मेरे पास अपलायन का फोन आया कि इस बार आप नंबर वन बने हैं, और उस दिन के बाद से मैंने अपना पैर अड़ा दिया कि मेरे आईडी पर, मेरे लेवल पर, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई आईडी का दूसरा नाम लिया जाता है तो लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर। और ये स्टेज के हीरो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, स्टेज के हीरो बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड कभी हासिल नहीं कर सकते, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड उसी को मिलेगा जो ग्राउंड का हीरो है, जो 18 घंटे कमिटमेंट करने की बात करता है।
को मिलेगा। और ये ललक, ये जज्बा मुझे स्ट्रीम में दिखाई देता है, 1500 टाइगर्स यहां से हिलने वाले हैं। पूरा हिंदुस्तान नेट्रो मार्केट इंडस्ट्री के लिए अब ये टीम पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने वाली है, ऐसा मुझे आज आभास हो रहा है। क्या ऐसा होने वाला है? कमिटमेंट चाहिए, बातें नहीं, कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट सिर्फ बोलने का नहीं, सेल के नंबर्स जीरो बढ़ाने का नहीं, अपना लेवल का कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा टाइगर्स। अगर ये कर डाला तो कंपनी में अगर 1000 टारगेट फाइट होंगे, कंपनी में अगर 1000 टारगेट फाइट होंगे तो उस 1000 टारगेट फाइट होने में 500 आपके भी हो सकते हैं, 600 आपके भी हो सकते हैं, 700 आपके भी हो सकते हैं। कंपनी के हमने ऐसा करके दिखाया। कंपनी का पहला ग्रुप 168 लोगों को गया, 168 में 150 सर की टीम से थे। दूसरा ग्रुप 148 का गया, 148 144 सर की टीम से थे। तीसरा ग्रुप 145 का गया, 125 लोग सर की टीम से थे। जब सर ऐसा कर सकते हैं, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने लेवल पर क्यों नहीं कर सकते हैं? करके दिखाएंगे।